पवित्र अधिक मास के अंदर इस भागवत कथा का आयोजन हुआ है, तो इतने जने एक साथ में एकत्रित होकर के इस पंडाल के अंदर इस कुमरे में इकट्ठे होकर के भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसका अमृत पान कर रहे हैं और इस ज्ञान कीर्तन भजन ये सारे होते हैं, महिला होती है और बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। और इस जो जो यहाँ पर आया है वो अपने आपको धन्य मान रहे हैं, इस महायुद्ध के अंदर समय ले रहे हैं, यहाँ का जो कीर्तन हो रहा है, जो भजन हो रहा है, जो भागवत का कथा पाठ हो रहा है, उसमें कर रहे हैं, आनंदित हो रहा है और बहुत सभी को तैयार रखते हैं। प्रभा भट्ट महिला कांग्रेस की सदस्य हूँ, महिला प्रकोष्ठ की कोषाध्यक्ष है, सबसे वरिष्ठ है। एक चीज़ ये पूछनी है कि ये जो पूरा प्रसंग चल रहा है इसका उद्देश्य क्या है, कैसे समाज की स्थापना करने चाहते हैं? ये समाज के अंदर वैसे तो हमारा समाज ब्राह्मण समाज है तो सब इससे परिचित हैं, लेकिन अधिक ये अभी वर्तमान युग ऐसा है कि बच्चे खेल की तरफ और पढ़ाई की तरफ और उसकी तरफ ज़्यादा जुटे हुए हैं, तो वो आध्यात्म की तरफ शंकर जी हम अधिक से अधिक बच्चों को आध्यात्म तक जोड़ें और हमारे धर्म का उनको ज्ञान कराएं और जो हमारे धर्म से संबंधित बातें हैं वो बच्चे तक सीख सकें, पहुँच सकें और वो संस्कार पा सकें और हमारे धर्म को आगे से आगे चलाएं, यही हमारा। जय श्री कृष्ण।